आज हम आपको एक जैपनीज एनिमेशन मूवी के बारे में बताएंगे। ये कहानी केटो नाम के एक लड़के की है जो एक बूढ़े आदमी की हेल्प करता हुआ मारा जाता है और एक एंडलेस सर्वाइवल गेम में जाकर फंस जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। अब वो इस गेम से असली दुनिया तक का सफर कैसे तय करता है ये आपको हम इस कहानी में बताएंगे। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गैंजो। कहानी की शुरुआत में हमें जापान के एक शहर टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं और रीका नाम की एक लड़की उन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है। तभी उन मॉन्स्टर्स का लीडर रीका को देख लेता है और उसके ऊपर एक कार को फेंक कर मारता है। लेकिन उसी वक्त रीका की टीम का एक मेंबर कुरुनो वहां पर आकर उसको बचा लेता है और खुद ही उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। मॉन्स्टर काफी ताकतवर होता है जिसकी वजह से वो कुरुनो को काफी जख्मी कर देता है, इसीलिए रीका उसे लड़ाई करने को मना करती है। जिस पर कुरुनो ये बोलकर लड़ने चला जाता है कि मुझको ये करना ही होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लड़ाई के बीच कुरुनो अपनी गन से उस मॉन्स्टर पर काफी बार फायर करता है जिससे वो मॉन्स्टर तो मारा जाता है पर ज्यादा घायल होने की वजह से कुरुनो भी मारा जाता है। कुरुनो को देखकर रीका जोर जोर से रोने लगती है और तभी वो वहाँ से गायब होकर किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें केटो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो आज अपने छोटे भाई की बर्थडे के लिए केक ले जा रहा होता है। तभी उसे स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे एक आदमी चाकू से मार रहा होता है। केटो ये सब देख लेता है और फौरन उस बूढ़े आदमी को बचाने जाता है पर वो चाकू वाला आदमी केटो को भी चाकू मारकर मार देता है। पर अगले ही पल केटो अपने आप को एक छोटे से बंद कमरे में पाता है जहाँ उसके अलावा चार और लोग होते हैं, सुजुकी, निशी, एक अजीब सा गुस्से वाला आदमी और रीका। रीका वही लड़की है जो कहानी की शुरुआत में मॉन्स्टर से लड़ रही थी। इस रूम में एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बॉल भी होती है। केटो अपने आप को जिंदा और इस अनजान जगह पर देखकर हैरान होता है। तभी वो ब्लैक बॉल एक्टिवेट हो जाती है और सभी को ऑर्डर देते हुए ये बताती है कि तुम सभी अपनी पुरानी लाइफ में मर चुके हो, तुम्हारी पुरानी लाइफ अब खत्म हो गई है। जिसके साथ वो उन्हें एक मॉन्स्टर लीडर को मारने को कहता है जो काफी ताकतवर है। उस ब्लैक बॉल में से उनको बहुत सारे एडवांस वेपन और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ब्लैक सूट्स भी मिलते हैं पर वो गुस्से वाला आदमी उस सूट को फेंक कर ये कहता है कि मैं इसको नहीं पहनूंगा, मुझे यहाँ से बाहर भेजो। पर तभी निशी उसे अपनी गन से मार देता है ताकि वो आगे सबके लिए कोई मुसीबत ना बने। केटो भी उस सूट को पहन लेता है और वो सभी टेलीपोर्ट होकर जापान के ओसाका शहर में पहुंच जाते हैं। उस पूरे शहर पर पहले से ही मॉन्स्टर्स ने हमला कर रखा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी लेडी इन सबकी ओर आती है। रीका और सुजुकी उस पर अपनी गन से हमला करते हैं पर रेंज में ना होने की वजह से उस ज़ॉम्बी लेडी को कुछ नहीं होता पर निशी उसके पास जाकर उसके सिर को उड़ा देता है। ये सब क्या चल रहा है, अभी तक केटो की समझ में कुछ भी नहीं आया था। वो सुजुकी से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर सुजुकी उसको बताता है कि हम सब अपनी पिछली लाइफ में मर गए थे जिसके बाद हमें इस सर्वाइवर गेम में लाया गया। यहाँ पर उनको बताए गए मॉन्स्टर्स के लीडर को मारकर लेवल को क्लियर करना होगा और अगर दूसरे नजरिए से इस चीज को देखें तो हम चुने गए हैं ताकि हम इन मॉन्स्टर्स को मारकर मासूम लोगों को बचा सके। अगर हमने दिए हुए टाइम से पहले इन मॉन्स्टर्स के लीडर को नहीं मारा तो हमारी टीम का एक मेंबर मारा जाएगा और पिछले लेवल में हमारी टीम का मेंबर कुरुनो लोगों को बचाते हुए मारा गया था, इसीलिए उसकी जगह पर तुम आए हो। इसी बीच अब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स इन सबको देखकर इन पर हमला करने लगता है। सुजुकी और रीका उस पर हमला करते हैं पर सारे मॉन्स्टर्स उन दोनों पर एक साथ टूट पड़ते हैं। केटो उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी इस टाइम में नया है और उसको अपनी गन भी चलानी नहीं आती। वो उल्टी सीधी जगह एम करता है और तभी वो बड़ा मॉन्स्टर केटो को अपने सिर से कुचल देता है पर केटो को कुछ नहीं होता, उसका एडवांस सूट उसको बचा लेता है। सुजुकी और रीका भी अपने आप को छुड़ा लेते हैं। इतने में वहाँ पर इनके जैसी ओसाका शहर की टीम आ जाती है। केटो की टीम को टोक्यो टीम बोलते हैं क्योंकि इनके ज्यादातर मिशन टोक्यो में ही होते हैं पर आज पहली बार ये ओसाका मिशन पर आए थे। वहीं ओसाका की टीम के पास इनसे कई ज्यादा एडवांस वेपन्स, सूट्स और बाइक होती हैं। ओसाका टीम टोक्यो यानी कि केटो की टीम को देखकर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उन पर हमला कर देते हैं लेकिन ओसाका टीम अपने एडवांस और खतरनाक वेपन से उन मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। जहाँ केटो की टीम को इन मॉन्स्टर्स से लड़ने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं ओसाका टीम मजे मजे में ही उन मॉन्स्टर्स को हरा रही थी। लेकिन तभी सभी मॉन्स्टर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है जो उनकी मॉन्स्टर गन से भी नहीं मरता, जिसके बाद ओसाका टीम अपना असली हथियार निकालती है
जो कि एक बहुत बड़ी गन होती है, और वो जैसे ही उस गन से उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इन सब चीजों को देखकर केटो सुजुकी से पूछता है कि हमारे पास इतने एडवांस वेपन क्यों नहीं है, जिस पर सुजुकी उसको बताता है कि जो भी इंसान दिए गए मिशन में सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स और उसके लीडर को मारकर इस मिशन को पूरा करेगा और उसका अगर स्कोर 100 हो जाएगा तो उसको वापस जाकर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से पहला वो ओसाका टीम की तरह कोई भी एडवांस वेपन चुन सकता है, दूसरा वो अपनी टीम के किसी भी मरे हुए प्लेयर को दोबारा जिंदा कर सकता है, और तीसरा वो इस गेम की सारी यादों को भूलकर वापस अपनी असली जिंदगी में जा सकता है। और हमारे पास ये वेपन्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से आज तक किसी ने भी 100 स्कोर नहीं किया है, जबकि ओसाका टीम ने कई बार 100 पॉइंट्स जीते हैं। तभी निशी अपने सूट की इनविजिबल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और अकेले ही उस मॉन्स्टर लीडर को मारने चला जाता है, क्योंकि उसको अकेले ही 100 पॉइंट्स चाहिए। अब क्योंकि ये गेम असली दुनिया में ओसाका शहर में चल रहा होता है, इसीलिए ये मॉन्स्टर्स यहाँ रहने वाले लोगों को मार रहे होते हैं, जो देखकर केटो उनको बचाने के लिए चला जाता है। पर सुजुकी और रिका उसको रोकते हुए कहते हैं कि हमारा मेन टारगेट वो मॉन्स्टर लीडर है, इसीलिए हमें सिर्फ उसको ही मारना होगा। अगर तुम लोगों को बचाने के लिए सभी मॉन्स्टर से लड़ोगे तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, जिस पर केटो उनको कहता है तो क्या हम इन बेकसूर लोगों को ऐसे ही मरने दे कि कहीं हमारी जान न चली जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर सुजुकी केटो को ये कहता है कि क्या तुमको अपने भाई के पास नहीं जाना, क्या तुम यहाँ मर के उसको अकेला छोड़ना चाहते हो। सुजुकी केटो को एक फोन बूथ के कुछ सिक्के देता है और कहता है कि जाओ पहले अपने भाई से बात करो। केटो एक फोन बूथ से अपने छोटे भाई को कॉल लगाता है। उसका छोटा भाई उससे पूछता है कि आप कहाँ पर हो भैया, पर इस बेचारे को क्या पता था कि इसका भाई तो मारा जा चुका है, क्योंकि ये गेम असली दुनिया में ही चल रहा है। इसीलिए केटो का छोटा भाई भी टीवी पर ये न्यूज़ देख रहा होता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, जिस पर केटो उससे ये कहता है कि वो जल्द ही घर वापस आएगा, जब तक तुम घर के अंदर ही रहना। वही मॉन्स्टर्स का लीडर भी इन सबको एक ऊंची बिल्डिंग से देख रहा होता है। इन सभी मॉन्स्टर्स ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी होती है, ये सभी मासूम लोगों को मार रहे होते हैं। उधर ओसाका टीम को यहाँ पर मरने वाले लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, उन्हें सिर्फ उस मॉन्स्टर लीडर को मारकर अपने 100 पॉइंट्स लेने होते हैं। पर केटो से ये सब नहीं देखा जाता। तभी उसकी नजर एक आंख वाले बड़े मॉन्स्टर पर पड़ती है जो शहर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। केटो अपनी गन से उस पर हमला करता है पर उसका एम सही नहीं लगता, जिसके बाद वो पूरी ताकत से अपने मुक्को से उस मॉन्स्टर को मारने लगता है, जिससे उसे अपने सूट की ताकत के बारे में पता चलता है। वो भागकर उस मॉन्स्टर के ऊपर कूदने की कोशिश करता है पर वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। वो उसे खाने वाला होता है कि तभी ओसाका टीम की एक फीमेल मेंबर एंजू वहां आकर उसकी जान बचा लेती है। वो उस मॉन्स्टर को मार देती है, पर एंजू को केटो थोड़ा स्पेशल लगता है क्योंकि वो यहाँ लोगों की जान बचा रहा था, और ऐसा इस गेम में कोई नहीं करता और ना ही उसने ऐसा करते हुए किसी को देखा था। एंजू उससे बोलती है कि तुम बहुत वियर्ड हो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो जल्दी मारे जाओगे। केटो उसको कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एक ओल्ड आदमी और उसके ग्रैंड चाइल्ड को मारने वाला है। वो फौरन उनको बचाने के लिए जाता है, जिस पर एंजू उसको रोकती है कि ऐसा मत करो, तुम उसको हरा नहीं पाओगे, तुम वहाँ मारे जाओगे। पर केटो उसकी एक नहीं सुनता और गन से उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, पर अभी तक उसको गन सही से चलानी नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर से बार बार बच रहा था। ये देखते हुए एंजू उसको बचाने आती है पर वो मॉन्स्टर उसको ही पकड़ लेता है। पर तभी केटो एंजू की गन से उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है और इस बार किस्मत से उसका निशाना भी नहीं चूकता। एंजू की एडवांस गन की वार से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इस चीज से एंजू केटो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि इसने बिना अपनी जान की परवाह किए आज मेरी जान बचाई, जिसके बाद एंजू केटो को जानने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि रियल लाइफ में तुम क्या करते हो, जिस पर केटो उसको बताता है कि उसके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और अब सिर्फ उसका एक छोटा भाई है, जिसका पेट भरने के लिए वो एक जगह पर काम करता है और वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है और यहाँ से जल्द निकलकर वो उसके पास जाएगा। एंजू भी इसको बोलती है कि मेरा भी 3 साल का एक बेटा है, मुझे भी यहाँ से निकलकर उसके पास जाना है, यानी हम दोनों को इस गेम में जिंदा रहना होगा। तभी वहाँ पर और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं पर ओसाका टीम उनको मार देती है, जिन्हें देखकर केटो बोलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर यही है, जिस पर एंजू से बताती है कि नहीं, इनसे भी ज्यादा डेंजर और ज्यादा ताकतवर यहाँ एक टीम और है, जिसका लीडर हाशिरो ओका है,
उसके पास इनसे भी ज्यादा ताकतवर हथियार हैं, क्योंकि हशिरो 7 बार 100 पॉइंट्स जीत चुका है। पर वो मामूली मॉन्स्टर्स को मारने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ इन मॉन्स्टर्स के लीडर को मारने बाहर आता है। वो इस समय भी इसी शहर में कहीं छुपा होगा। उधर सुजुकी और रीका भी छुपते छुपाते इस लेवल के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है, पूरे शहर पर हमला करने लगता है। कोई भी उसको रोक नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है 7 टाइम बोनस विनर हशिरो ओका की, जो एक बहुत बड़े जायंट रोबोट में आता है। वो रोबोट बहुत बड़ा होता है और उसके चारों तरफ हथियार लगे होते हैं। वो उस विशाल मॉन्स्टर को मारने लगता है और देखते ही देखते उस शहर के अंदर दो जायंट्स लड़ने लग जाते हैं। उधर केटो, सुजुकी और रीका को यहाँ के आर्मी सोल्जर्स घेर लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एक और डीमन टाइप लाल कॉलर का मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखने में काफी ताकतवर और डरावना लग रहा होता है। वो आर्मी वालों को मारने लगता है। सभी आर्मी वाले एक साथ उस डीमन पर गोलियां चलाते हैं, पर उसके शरीर पर उनका कोई असर नहीं होता। तभी एंजो मौका देखकर अपनी गन से उस पर फायर कर देती है, जिससे वो एक लेजर वाली रस्सी में बंध जाता है। पर वो इतना पावरफुल होता है कि वो उस लेजर को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देखते हुए ओसाका टीम का लीडर उस पर अपनी स्पेशल यानी कि उस बड़ी गन से हमला करता है, जिससे वो डीमन मॉन्स्टर पूरा खून से जख्मी हो जाता है। पर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो लीडर उस पर अपनी गन से बार बार हमला करता है, पर वो डीमन बार बार उठकर खड़ा हो जाता है। वो ओसाका टीम के लीडर को अपने हाथों में पकड़ लेता है, वो उसको मारने वाला होता है। पर वो लीडर अपनी पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है, पर वो भी उसी के साथ मारा जाता है। अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर अब आखिरकार उन मॉन्स्टर का लीडर खुद नीचे लड़ने आ जाता है। ओसाका टीम का वाइस कैप्टन आते ही मॉन्स्टर लीडर को अपनी तलवार से 4 टुकड़ों में काट देता है, पर वो मॉन्स्टर लीडर वापस से जुड़ जाता है। वाइस कैप्टन उस पर काफी हमले करता है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे मॉन्स्टर लीडर उसके साथ खेल रहा हो। तभी मॉन्स्टर लीडर बहुत सारी फीमेल बॉडीज में बदलकर एक बहुत बड़ी फीमेल जायंट में बदल जाता है और वाइस कैप्टन के पूरे शरीर को खाकर उसकी गर्दन को बाहर फेंक देता है। केटो और उसकी टीम मॉन्स्टर लीडर पर हमला करती है, लेकिन लीडर केटो को अपने हाथ में पकड़कर खाने वाला होता है। पर तभी मॉन्स्टर लीडर पर बहुत बड़ा हमला होता है, उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है, उसका सिर्फ खूनी खून बचता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि निशी ने ओसाका टीम की लीडर की पावरफुल गन से किया होता है। एंजु फौरन केटो को उठाती है, सबको लगता है कि लीडर मर गया, लेकिन तभी मॉन्स्टर लीडर के खून में से एक और काफी डेंजर मॉन्स्टर निकलता है, जिसको देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि मॉन्स्टर लीडर की शायद यही पावर है कि वो किसी भी मॉन्स्टर में अपना रूप बदल सकता है, और जितनी बार भी वो मरेगा उसका रूप बदल जाएगा और वो उतना ज्यादा ताकतवर बनके वापस आ जाएगा। अब निशी गायब होकर उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वो मॉन्स्टर लीडर एक शॉकवेव छोड़ता है, जिससे निशी का हाथ कट जाता है। वो एक और शॉकवेव छोड़ने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही केटो सबको लेकर पानी में कूद जाता है। वहीं दूसरी ओर हशिरो ओका और उस जायंट मॉन्स्टर की लड़ाई चल रही होती है। वो मॉन्स्टर हशिरो पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए हशिरो अपनी छोटी फॉर्म में आकर उस मॉन्स्टर के सिर पर वार करके उसको मार देता है, जिसके बाद हशिरो मॉन्स्टर लीडर से लड़ने आता है। हशिरो अपने हाथ में लगी गन से लीडर के शरीर को उड़ा देता है। वो उस पर बार बार हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लीडर फिर से अपना रूप बदल लेता है। वो इस बार एक इंसान के जैसा लग रहा था। हशिरो उस पर अपनी तलवार से कई बार हमला करता है, पर मॉन्स्टर लीडर का शरीर बार बार अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। पर फिर भी हशिरो गुस्से में लीडर के शरीर को बीच में से चीर देता है और वहाँ से जाने लगता है। केटो हशिरो से पूछता है कि क्या ये मर गया, जिस पर हशिरो उसको बताता है कि ये अभी मरा नहीं है, बस कुछ समय के लिए बेहोश हो गया है। इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें इस पर सरप्राइज अटैक करने होंगे, जिसका इसको पता ना चले। ऐसा करके इसका शरीर अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाएगा, पर फिलहाल मुझे अपने हथियारों को लेने यहाँ से जाना होगा। केटो मॉन्स्टर लीडर को देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके कटे हुए शरीर में से एक बॉम्ब निकलता है। ये चीज सुजुकी देख लेता है और केटो की जान बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिससे सुजुकी बहुत जख्मी हो जाता है। वो बस मरने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि अब आखिरकार मॉन्स्टर लीडर अपनी आखिरी फॉर्म में आ गया था, जो बहुत ज्यादा खतरनाक और देखने में
किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। मॉन्स्टर लीडर वहाँ से हशिरो ओका की तलाश में चला जाता है, जिसके बाद कीटो ये कहता है कि अब मुझको ही इसे मारना होगा, जिस पर एंजो उससे कहती है कि तुम इसमें मारे जाओगे, ये काम हशिरो को ही करने दो। जिस पर कीटो उससे कहता है कि अगर वो नहीं कर पाया तो किसी न किसी को तो उसको मारना ही होगा, जिस पर सब उसकी बात मान जाते हैं। कीटो एंजू और रीका के साथ मिलकर मॉन्स्टर लीडर को मारने का प्लान बनाने लगता है। वो एंजू और रीका को समझाता है कि हशिरो के बताए तरीके से लीडर के ऊपर सिर्फ सरप्राइज अटैक ही काम करेंगे, इसीलिए तुम दोनों को एक बिल्डिंग पर से मॉन्स्टर लीडर को स्नाइप करना होगा, जबकि मैं यहाँ नीचे रहकर उसका ध्यान भटकाऊंगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं, पर जाने से पहले एंजू कीटो को अपने दिल की बात बताती है। वो उससे कहती है कि अब तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम नहीं मरोगे। एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद तुम, मैं, तुम्हारा भाई और मेरा बेटा, हम सब असली जिंदगी में साथ रहेंगे। असल में एंजू कीटो को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसकी तरह उसके पास भी कोई नहीं था सिवाय उसके भाई के। कीटो भी एंजू को पसंद करता था, इसलिए कीटो उससे वादा करता है कि वो नहीं मरेगा और हम चारों साथ रहेंगे, जिस पर एंजू उससे ये कहकर चली जाती है कि वो किसी भी हालत में उसे मरने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंजू और रीका बिल्डिंग पर जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं। तभी कीटो के पास मॉन्स्टर लीडर आता है, उसके हाथ में हशिरो का कटा हुआ सर होता है, यानी हशिरो उसको नहीं हरा पाया। वो कीटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर कीटो उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है, और तभी एंजू बिल्डिंग पर से मॉन्स्टर लीडर के ऊपर अपनी गन से स्नाइप करती है, जिससे उसका हाथ ही उड़ जाता है। एंजू और रीका उस पर लगातार वार करती रहती हैं, जिससे मॉन्स्टर लीडर को काफी डैमेज पहुंचता है, पर अब वो उन दोनों पर अपनी लेजर से हमला करने लगता है, जिससे काफी तबाही मच जाती है। वहीं कीटो को जमीन पर ओसाका लीडर की गन पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे वो उठाने लगता है, पर मॉन्स्टर लीडर उस पर भी अपनी लेजर से वार कर देता है, जिसके धमाके में कीटो अपने दोनों पैर खो देता है। मॉन्स्टर लीडर उस पर फिर से वार करने ही वाला होता है, जिसको देखकर एंजू फौरन उसकी जान बचाने के लिए नीचे आ जाती है और कीटो के लिए छोड़ी गई लेजर को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे कीटो की जान तो बच जाती है, पर एंजू के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पर मारी जाती है। ये देखकर कीटो को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो रेंगता हुआ उस गन तक पहुँच जाता है। उधर निशी भी मॉन्स्टर लीडर पर हमला करके उसे काट देता है, पर लीडर उसके सीने के बीच में से लेजर को निकाल देता है और फिर से कीटो पर हमला करने वाला होता है, पर तभी कीटो उस गन से मॉन्स्टर लीडर पर हमला कर देता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। वो एंजू को याद करते हुए गुस्से में उस पर बार बार हमला करता है और उसके शरीर का कतरा कतरा बहा देता है, जिसकी वजह से उसका शरीर दोबारा रिजनरेट और रिकवर नहीं हो पाता। वो मॉन्स्टर मारा जाता है। मॉन्स्टर लीडर के मरते ही गेम खत्म हो जाता है और सब लोग वापस टेलीपोर्ट होने लगते हैं। वो वापस उसी रूम में आ जाते हैं। इस लेवल से सिर्फ निशी, रीका, सुजुकी और कीटो ही बच पाए थे। स्कोर लिस्ट में कीटो को 100 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके साथ अब उसको वो तीन ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, जिनमें से कीटो वापस जिंदा करने वाले ऑप्शन को चुनता है। वो फिर से एंजू को जिंदा कर देता है और तभी हमें इस कहानी का एक सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। असल में कीटो पहली बार इस गेम को नहीं खेल रहा था, एक्चुअली में वो तो इन सबका लीडर था। वो हर बार मॉन्स्टर लीडर को मार के अपने एक मेंबर को जिंदा करता था, पर आखिरी गेम में जीतने के बाद आखिरकार उसने असली दुनिया में अपने भाई के पास जाना चुना, इसीलिए उसकी इस गेम की सारी यादें मिट गई थी। पर असली दुनिया में वो लोगों की हेल्प करते हुए फिर से मारा गया और फिर से इस गेम में आ गया। और इसी स्टोरी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।